सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कहो कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो कोरियन की स्किन देखिए कितनी ज्यादा ग्लोई और ग्लासी होती है, काफी ज्यादा टाइटनेस लगता है उनकी स्किन पे। उनकी स्किन बिल्कुल गोरी चिट्टी होती है, तो उसकी स्किन देखने के बाद ना ऐसा लगेगा कि काश ऐसी स्किन हमारी भी होती। और मार्केट में ना काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट भी अवेलेबल है जो कि कोरियन ब्यूटी रूटीन पे डिजाइन किए गए हैं, ऐसा वो दावा करते हैं। बट सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता है उसे खरीदना या उसे यूज करना, और कई लोगों को तो वो सूट भी नहीं करता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कोरियन ब्यूटी मसाज, जिसे यूज करने के बाद आपकी स्किन काफी ज्यादा यंग दिखेगी। इसे अगर आप लगातार यूज करोगे ना तो आपकी स्किन 5 से 10 साल कम नजर आने लगेगी। आपकी स्किन पे काफी अच्छी सी ग्लोइनेस कह सकते हो वो दिखेगी। आपकी स्किन एक ही बार में काफी ज्यादा टाइटनेस फील करोगे अपनी स्किन पे। तो चलो बनाना कैसे है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बहुत ही सिंपल चीज है, ऐसा नहीं है कि कोरियन में बोल रही हूँ तो आपको कुछ इधर उधर की चीजें इंतजाम करना पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीजें आपके घर पे अवेलेबल है। तो चलो इसे यूज करते हैं और एक पावरफुल एंटी एजिंग मसाज करते हैं, ठीक है। सो वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल है, वीडियो को फुल वॉच करना, साथ ही अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो चलिए बना ली जाए हमारी ये एंटी एजिंग मसाज क्रीम जो हमारी स्किन को यंग बनाएगी। तो सबसे पहले अब मैं इसमें ऐड करूंगी एक छोटा चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी स्किन के किल मुहासे को दूर करेगा, हमारी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करेगा, हमारी स्किन की ड्राइनेस को दूर करेगा, और तो और ये हमारी स्किन के रंग को भी साफ करेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एलोवेरा जेल लिया है, आप कोई सा भी एलोवेरा जेल यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ विटामिन ई कैप्सूल की एक गोली। ये आपको आसानी से किसी भी शॉप में, आई मीन टू से केमिस्ट की शॉप में मिल जाएगा, और इसे आपको बस पिन करना है और इसकी सारी ऑयल को इस एलोवेरा जेल में डाल देना है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें काफ़ी ऐसे तत्व हैं जो हमारी स्किन को यंग बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हनी। हनी आपको बिल्कुल थोड़ा सा लेना है, एक छोटा चम्मच का आधा, ठीक है। और अच्छे से इन सारे को आपस में मिक्स कर देना है। विटामिन ई है इसमें, तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ये हमारे स्किन की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल से भी बचाने में हेल्प करता है, और ये हमारी स्किन पे बहुत ही जल्दी वर्क करेगा। तो आपस में इसे अच्छे से मिक्स करना 2 मिनट का टाइम देके, और ये कुछ इस तरीके का है। उसके बाद अच्छे से अपनी स्किन को वॉश कर लेना, वॉश करने के बाद इसे अपने फेस पे अप्लाई करना। फेस पे अप्लाई करने के लिए आप अपने फिंगर की ही हेल्प लें, ब्रश की हेल्प ना लें, क्योंकि इससे आपकी स्किन अच्छे से मसाज हो जाएगी। इसीलिए जितने भी मसाजिंग टिप्स आते हैं आपको, आप सारे इसमें यूज़ कर सकते हो। नहीं आता तो सीख लो, 2-3 स्टेप भी कर दोगे तो स्किन पे काफ़ी अच्छा सा रिजल्ट मिल जाएगा। जहाँ भी फाइन लाइन्स है वहाँ यूज़ कर लेना। आँखों पे अगर डार्क सर्कल्स है तो ज़रूर यूज़ करना, इससे आपको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। फाइन लाइन्स जहाँ है वहाँ अच्छे से मसाज करना, अपने गालों पे, आँखों के पास, फॉरहेड पे, जहाँ भी लाइन्स बनते हैं अच्छे से मसाज कर लेना। मसाज सिर्फ आपको 5 मिनट के लिए ही करना है, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है, और बहुत ही हल्के हल्के हाथों से आपको मसाज करना है, ठीक है। इसे आप हफ्ते में 1 से 2 बार आराम से यूज़ कर सकते हो, नेचुरल इन्ग्रीडियंट है तो रिज़ल्ट आपको बढ़िया मिलेगा, ठीक है। सो गाइज, आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड साथ ही सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।